तो आप पीछे भी कवर करें ना, उनके पास कोई कार्ड है, केएमसी का कुछ भी नहीं है, उनसे कार्ड मांगो तो कुछ नहीं देते हो। जिस तरीके से पारी मॉल के सामने है, जिस तरीके से मदनी मॉल के सामने है, तो उनके पास तो कोई पर्ची नहीं है, तो वो किस बिहाफ पे लोगों से पैसे ले रहे हैं? अच्छा मुझे आप पर्ची दिखा सकते हैं? पर्ची तो अभी हमारा टाइम खत्म हो गया, पर्ची हम तो दे ही नहीं रहे किसी को, सेफ क्लोजिंग हो गई। नहीं भाई ऐसी लग रहे हैं, हम तो अपनी दिहाड़ी लगा रहे हैं जी, ऐसी दिहाड़ी लगा रहे। तो कोई आपको अलाउ किया है किसी ने? अलाउ किया तो खड़े है ना यार, किसने अलाउ किया आपको? क्योंकि बाहर तो मना है ना, देखें अंदर जो है वो टेंडर अलाउ है, लेकिन बाहर जो है वो तो मना है। ये मैं यहाँ पे आया हूँ और ये जितनी भी यहाँ पे माफियाज खड़ी हुई थी वो सारी की सारी यहाँ से भाग चुकी है। इस तरीके से फजल अवान को बेवकूफ बनाया जा रहा है इस पर्ची के नाम पे। ये मेरे हाथ में पर्ची मौजूद है, इस पर्ची पे लिखा हुआ है चार्जिंग फीस, पता नहीं कहाँ से ये पर्ची जो है ना बनवा के लाए हुए हैं, और 50-50 रुपए में जो है ना ये अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है ताहा मिर्जा और आप देख रहे हैं ताहा मिर्जा पॉडकास्ट। जिस तरीके से कराची शहर पे कब्जा माफिया अपनी उरूज के साथ जो है ना धंधा कर रहे हैं, आज पार्किंग माफिया का मैं आपको धंधा दिखाता हूँ, लिहाजा मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छा सर, ये जो आप यहाँ पे लोगों से ये ले रहे हैं पर्ची, ये कहाँ की पर्ची है? ये केएमसी, केएमसी की पर्ची है। तो यहाँ पे चले, ये तो केएमसी की पर्ची है और बकायदा पूरा सेटअप बनाया हुआ है। मुझे ये बताइए, लोग यहाँ पे बकायदा तौर पे भत्ता वसूल कर रहे हैं केएमसी के नाम पे, जिनकी कोई पर्ची नहीं है, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो उनके खिलाफ आप क्या कहते हैं? सर हमारा उनसे कोई वास्ता ही नहीं, हम क्या कहें? जिस तरीके से पारी मॉल के सामने है, जिस तरीके से मदनी मॉल के सामने है, तो उनके पास तो कोई पर्ची नहीं है, तो वो किस बिहाफ पे लोगों से पैसे ले रहे हैं? उनके ऊपर एक्शन करें, जिस तरीके से वो किसी का नाम यूज कर रहे हैं उनके ऊपर आप एक्शन करवा सकते हैं। आप 15 की कॉल करें, उनको बुलाएं, इस तरीके से उनके साथ कार्रवाई होती है कानून, उस तरीके से कानून कार्रवाई करें। अच्छा मुझे आप पर्ची दिखा सकते हैं? पर्ची तो अभी हमारा टाइम खत्म हो गया, पर्ची हम तो दे ही नहीं रहे किसी को, सेफ क्लोजिंग हो गई। नहीं तो ये जो पर्ची है ये कहाँ की पर्ची आप दे रहे हैं? ये केएमसी अलर्ट है, ये ऑप्शन की जो ना टेंडर पास हुआ इसका। तो ठीक है, ये तो जायज तरीके से जो ना लोगों से टेंडर पास हुआ है, और टेंडर पास होने के बाद लिहाजा जिस तरीके से इनके बिहाफ पे या केएमसी के बिहाफ पे लोग भत्ता वसूल कर रहे हैं कराची शहर के अंदर, तो ये हम होने नहीं देंगे। हमने हमेशा हक और सच की बात को उजागर किया है, लिहाजा देखते रहिए ताहा मिर्जा पॉडकास्ट। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं जिस तरीके से कराची शहर के अंदर कब्जा माफिया उरूज पे आया हुआ है और लोगों को जो है ना बेवकूफ बनाया जा रहा है, सादा लू आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे जो पार्किंग माफिया है वो उरूज पर आई हुई है और उनके खिलाफ जो है ना आज हम जो है ना निकले हैं और वीडियोज बना रहे हैं। तो केएमसी अलर्ट और रजिस्ट्रेशन ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन जो केएमसी के नाम पे जो ना भत्ता वसूल कर रहे हैं सादा लू आवाम से, आइए हम आपको बेनकाब कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये जो आप लोगों से पार्किंग माफिया के नाम पे पैसे ले रहे हैं, मुझे ये बताइए कि ये केएमसी अलर्ट है? जी सर। कहाँ है मुझे दिखाइए, आप जो रिसिप्ट देते हैं किसी को, कोई यहाँ पे आपके पास आता होगा, किसी को आप पर्ची देते होंगे, कहाँ है वो पर्ची? सर दिखा देता हूँ। आपके पास क्यों नहीं है ये? मेरे हाथ में सर। दिखाइए मुझे, दिखाइए दिखाएं तो निकाल के। तो ये बकायदा टेंडर पास हुआ हुआ है? जी सर, ऑप्शन वाली जगह है सर, ये लीगल जगह है, बिल्कुल अलाउड है। लेकिन जो लोग यहाँ पे सर वो बाहर हैं, वो बाहर हैं। बेहतरीन। सर्विस रोड और मेन रोड पे बिल्कुल मना किया हुआ है, एग्जैक्टली बिल्कुल इनफ किया हुआ है, खत्म किया हुआ है, ये तो अलाउड है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे ले रहे हैं। हाँ जी हाँ। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि लोग वहाँ पे कैसे ले रहे हैं। अलॉटमेंट है आपके पास? नहीं भाई ऐसी लग रहे हैं, हम तो अपनी दिहाड़ी लगा रहे हैं जी, ऐसी दिहाड़ी लगा रहे। तो कोई आपको अलाउ किया है किसी ने? इधर अलाउ किया तो खड़े है ना यार, किसने अलाउ किया आपको? क्योंकि बाहर तो मना है ना, देखें अंदर जो है वो टेंडर अलाउ है, लेकिन बाहर जो है वो तो मना है। आना तो बना, तो क्या करें, तो क्या करें मतलब फिर आप इस तरीके से करते रहेंगे लोगों के साथ? मैंने तो किया जी, मैंने क्या किया? जिस तरीके से आप लोगों से पैसे ले रहे हैं और यहाँ पे ये जितनी भी बाइक्स हैं किस बिहाफ पे ले रहे हैं, मुझे ये मार्केट की बाइकें लगती है, मार्केट वाले देके जाते हैं। मार्केट वाले तो मार्केट वाले हो तो इसलिए दे दो मुझे। क्या नाम है तुम्हारा? दिलावर। किससे पूछ के पार्किंग के पैसे ले रहे हो इधर? भाई पार्किंग कौन कर रहे हैं, गाड़ियाँ धो रहे हैं हम तो, गाड़ियाँ धो रहे हैं हम तो। किससे पूछ के? सॉरी पीछे भी पार्किंग ले रहे हैं, तो आप पीछे भी कवर करें ना, उनके पास कोई कार्ड है केएमसी का कुछ भी नहीं है, उनसे कार्ड मांगो तो कुछ नहीं देते हो। ना केएमसी का कार्ड है इनके पास, ना इनके पास कुछ और चीज मौजूद है। तो कहने का मकसद ये है कि ये अभी अभी आपके सामने व्यूअर्स से मेरी ये इल्तिजा है कि फैसला आपका है। अभी अभी मैं इनकी वीडियो कवर कर रहा था तो मुझे एक खातून मिली जिन्होंने मुझे ये बताया कि अभी आपसे ये क्या ले रहे थे?
ये मुझे सामने बोल देते कि सामने पार्किंग लगा ले, लेकिन मैं दरअसल मैं वेट कर रही थी, तभी से मैंने पार्किंग लगाई नहीं, लेकिन पीछे मैं पार्किंग दे कर आ रही हूँ। उन्होंने बकायदा ली है मुझसे कि आप पार्किंग दें यहाँ पे। और कोई पर्ची वगैरह आपको दी है? नहीं, इनके पास कोई पर्ची नहीं। मैंने कहा कार्ड दिखाया केएमसी का, इनके पास कोई कार्ड वगैरह भी। अच्छा, इनके पास ना कोई पर्ची है ना कोई केएमसी की इनके पास पर्ची है, तो ये सादा लू आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है कराची शहर के अंदर जिस तरीके से पार्किंग माफिया उरूज पे आई हुई है। ये मैं यहाँ पे आया हूँ और ये जितनी भी यहाँ पे माफियाज खड़ी हुई थी वो सारी की सारी यहाँ से भाग चुकी हैं। लिहाजा मेरी अवाम उन्नास से गुजारिश है कि फैसला आपका है, अवाम का फैसला है, जिस तरीके से सादल अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इस पर्ची के नाम पे। ये मेरे हाथ में पर्ची मौजूद है, इस पर्ची पे लिखा हुआ है चार्जिंग फीस, पता नहीं कहाँ से ये पर्ची जो है ना बनवा के लाए हुए हैं और 50-50 रुपए में जो है ना ये अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लिहाजा मेरी अवाम उन्नास से गुजारिश है कि फैसला आपका है। मॉल तक जो है ना लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, तो ना कोई पर्ची दे रहे हैं आप लोग, कौन है आप लोग? हम लोग तो ख्याल के लिए खड़े हैं, उनके गाड़ी लगवाते हैं, निकलवाते हैं। फिर जब आप लोगों से लोग आए तो आप लोग उनको कहते हैं कि जो है ना ये केएमसी की पर्ची है, हमारे पास तो देखो पर्ची नहीं है। यहाँ से लेके फाइव स्टार से लेके साइमा पारी मॉल तक मेरे पास एक चीज रिकॉर्ड है कि आप लोग यहाँ पे पर्चियां ले रहे हैं 50-50 रुपए की। नहीं, क्यों? वजह जो दिल करता है दे जाते हैं। मेरे हाथ में बजाते हैं। आपका पूरा खानदान है कौन है? बस ये ख्याल करवाते हैं हम लोग, गाड़ी लगवाते हैं, निकलवाते हैं, जिसका दिल करता भरता है दे देता है, जिसका दिल नहीं करता वो नहीं देता हम लोग। इसकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है हमारी, तो फैसला आवाम का है। जिस तरीके से कराची शहर को नोच के खाया जा रहा है और ये पार्किंग माफिया उरूज पे आई हुई है, लिहाजा मेरी अवाम उन्नास से गुजारिश है कि फैसला आपके ऊपर है और आला हुकाम से और अहदेदारान से मेरी गुजारिश है कि खुदारा इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और कराची शहर को रिलीफ दिया जाए। कि चेज वैल्यू सेंटर फाइव स्टार के बाहर ये मौसूफ बैठे हुए हैं और ये भी जो है ना यहाँ से कलेक्शन कर रहे हैं। आप जो यहाँ पे पार्किंग के पैसे ले रहे हैं, मेरा सवाल है सीधा कि किस मद में ले रहे हैं आप? केएमसी ने अलाउ किया है, डीएमसी ने अलाउ किया है, किसी अफसर ने अलाउ किया है, किसने अलाउ किया? सर अलाउ तो किसी ने नहीं किया, लेकिन देखभाल कर रहे हैं सर, कोई दस देता है कोई नहीं देता है, जबरदस्ती नहीं करते। फाइव स्टार से लेके हैदरी मार्केट तक जितनी भी रोड के ऊपर, वो तो सर वो लोग तो पुलिस की सेटिंग है उन लोगों की। तो सर नहीं, बात ये है ना कि हमारा तो देखिये गुजारिश ये है कि जो हाई कोर्ट का हुक्म है, ऑर्डर है कि कराची में कोई पार्किंग नहीं ली जाएगी किसी। सदर में तो सर क्या नाम है, ये इतनी बड़ी पार्किंग चल रही है, वो कोई बात ही नहीं है सदर में गुल सेंटर। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आपको किसने अलाउ किया? सर यहाँ पर तो सर मैं खुद अपनी सस्पेंड हुआ हूँ, मैं यहाँ पर पहले चेस वैल्यू में था, सस्पेंड हुआ हूँ, तो मैं भी क्या करूँ सर आप बताओ। मैं ड्राइवर था इनका, उन्होंने थोड़ी सी बीमारी हुई थी, सस्पेंड हो गया मैं। अब मैं देखभाल करता हूँ गाड़ियों के ऊपर, कोई दूसरे को बैठने नहीं देता हूँ, पराई गाड़ी पे किसी को बैठने नहीं देता हूँ, पैसे भी लेता हूँ सर, कोई 10 देता है कोई 20 देता है, ये है बस, बाकी किसी से जबरदस्ती नहीं करता हूँ सर कि पर्ची ले हो कि ये करो वो करो ये करो, ऐसा कोई ऐसा। तो वहाँ पे तो बकायदा पर्चियां भी दी जा रही हैं। तो सर वो तो क्या नाम है, आप उनको देखो ये देखें ये पर्ची मुझे बताएं, ये जायज है या नाजायज है? ये तो नाजायज है सर बिल्कुल, ना सीरियल नंबर है इसका और ना कोई, और 50 रुपए बताएं हमें तो 10 रुपए दे दे। ये पर्ची जो है ना वहाँ पे हमें दी गई और 50 रुपए जो है ना हमसे वहाँ पे भत्ता वसूल किया गया। ये कराची शहर के अंदर जिस तरीके से भत्ता वसूल किया जा रहा है पार्किंग माफिया जिस तरीके से उरूज पे आई हुई है, लिहाजा मेरी आला अहदेदारान से अफसरान बाला से इल्तिजा रिक्वेस्ट है कि कराची शहर को मजीद डूबने से बचा लिया जाए, अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए इनका मुआवजा किया जाए। देखते रहिए ताहा मिर्जा पॉडकास्ट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।